हेलो दोस्तों तो अपना जोग्राफी का प्रीमैक्स करते हैं पहला क्वेश्चन है द टर्म डीप इकोलॉजी ऑफ ऑफन ए न्यूज आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन इन कॉन्टेक्स्ट विद द सेम डीप इकोलॉजी क्या होता है पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है ठीक है कि एक इन्वायरमेंटल फिलोसफी है जो कहती है कि ह्यूमन लाइफ जो है इक्वल कॉम्पोनेंट है ग्लोबल इकोसिस्टम का राइट बहुत सिंपल से शब्दों में अगर मैं कहूँ वो बोल रहे हैं कि ह्यूमन लाइफ जो है उतना ही ग्लोबल इकोसिस्टम का पार्ट है जितना कि बाकी चीजें तो बेसिकली वो ह्यूमन लाइफ की सिग्निफिकेंस की बात कर रहा है कि ग्लोबल इकोसिस्टम का जब आप पार्ट देखोगे तो इट इज़ वन ऑफ द मेनी यानी कि अगर बहुत सारे अलग इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इको में इंपॉर्टेंट हैं तो इक्वली इम्पॉर्टेंट आपकी ह्यूमन लाइफ भी है ठीक है दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि डीप इकोलॉजी है कि वर्ल्ड की सोसाइटी को ज़रूरत है कि लिमिट सेट करे कि कितनी ह्यूमन डिस्टरबेंसेस हैं जो कि अर्थ के सिस्टम्स को डिफाई uh, करती हैं उन पे लिमिट सेट करने की ज़रूरत है तीसरा ऑप्शन क्या कहता है कि डीप इकोलॉजी अपहोल्ड करती है कि डीप ओशन सिस्टम्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि ये जो डीप ओशन सिस्टम है ये अर्थ का 54 परसेंट जो है कवर करते हैं ठीक है और चौथा ऑप्शन क्या कहता है कि इट रेफर्स टू दी प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग मिनरल डिपॉजिट फ्रॉम द डीप सी विच इज एन एरिया बिलो 200 मीटर तो चार ऑप्शंस हैं पहला है ह्यूमन सिग्निफिकेंस की बात कर रहा है दूसरा है कि ह्यूमन डिस्टर्बेंसेस पे एक लिमिट सेट कर रहा है तीसरा इट टॉक्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डीप ओशन सिस्टम और चौथा मिनरल डिपॉजिट्स को डीप सी से रिट्रीव करने की बात कर रहा है तो दो मिनट के लिए पॉज कीजिए और आपका आंसर है ए ठीक है बहुत सिंपल सी बात करता है देखो अगर इसको मैं और सिंपल शब्दों में बताऊं ना तो डीप इकोलॉजी कहती है कि ह्यूमंस जो हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर इकोलॉजी रिगार्डलेस ऑफ कि उनकी यूटिलिटी कितनी है फॉर द एनवायरनमेंट रिगार्डलेस ऑफ कि वो कितना इंपॉर्टेंट प्लांट प्ले करें इकोसिस्टम में आइदर इन टर्म्स ऑन सेविंग इट और इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रॉइंग इट रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूम इन द इको सिम इन द इकोलॉजी उसकी बात करते हैं डीप इकोलॉजी राइट वही वो उन ऑप्शन में भी पीछे कह रहा था कि ह्यूम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि इकोलॉजी का है ठीक है इंपॉर्टेंट चीज क्यों है वो सिंपल सी बात करें क्योंकि ह्यूमंस को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ह्यूमंस को इंपॉर्टेंस देते हुए मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटीज़ को रीस्ट्रक्चर करने की भी बात हो रही है तो कभी भी डीप इकोलॉजी आपको आ जाए तो हमेशा ही ह्यूमन की सिग्निफिकेंस से एसोसिएटेड होगी ठीक है जी चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं यूपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन है वच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसीडुअस फॉरेस्ट ठीक है चार रीजन्स कह रहे हैं नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश साउथ वेस्ट बंगाल साधर्न सौराष्ट्र और अंडमान निकोबार आइलैंड्स वैसे तो आपको डायरेक्टली इसका आंसर आना चाहिए ठीक है इसका आंसर क्या है दो मिनट के लिए पॉज कीजिए और आपका आंसर है अंडमान निकोबार। अगर आपने अंडमान निकोबार ध्यान से पढ़ा है तो उसकी एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी क्या है कि ये तीनों तरीके के फॉरेस्ट वहां पाए जाते हैं ठीक है पर मान लो कि अगर मुझे एलिमिनेशन से जानना होता तो मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए था मान लो मुझे नहीं पता इतना मुझे पता है कि जो विदर्भा और सौराष्ट्र वाले रीजन हैं वो तो फेमस है कि पे सूखा बहुत पड़ता है राइट तो मैंग्रोव फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट तो हो ही नहीं सकते इनके लिए पानी की बहुत ज्यादा नीड uh, है प्रेसिपिटेशन की ठीक है अब अगर मैं साउथ वेस्ट बंगाल कहूं लेट्स से दैट दिस इज़ वेस्ट बंगाल यहां पर आपका वाटर बॉडी है तो साउथ वेस्ट का मतलब क्या है ये वाला रीजन तो एनी anyway, वे ये इंटरनल साइड है वेस्ट बंगाल का दिस इज नॉट रिलेटिंग टू दि कोस्टल रीजन तो मैंग्रोव तो हो ही नहीं सकते दो ऑप्शन मेरे ऐसे ही डिलीट हो जाते इसके बाद तो मुझे डायरेक्टली समझ जाना चाहिए था कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की ही बात हो रही है ठीक है सो एटलीस्ट एलिमिनेशन सी भी यू ठीक है जी चलिए अगले सवाल पे आते हैं uh, हाँ जी बारिंग एनी एक्सेप्शन इफ एनी फाइंड द करेक्ट ऑप्शन इन कॉन्टेक्स विद ओशन करंट्स ठीक है कि दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं अगर इन दो स्टेटमेंट्स में कोई एक्सेप्शन भी हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है आप जनरली बताओ कि क्या ये दो स्टेटमेंट सही है या तो नहीं है बड़ी सिंपल सी बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं लोअर लैटिट्यूड में वार्म करंट्स ईस्टर्न शोर पे हैं और कोल्ड करंट वेस्टर्न शोर पे हैं और हायर लैटिट्यूड्स में वार्म करंट वेस्टर्न शोर्स पे हैं और कोल्ड करंट ईस्टर्न शोर्स पे है ठीक है दो मिनट के लिए पॉज कीजिए और सोचिए कि क्या ये सही कह रहा है क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है ठीक है तो दो मिनट के लिए पॉज कीजिए वीडियो को रोकिए थिंक अबाउट वॉट ऑल करंट्स यू नो अबाउट एंड देन ट्राई टू आंसर ठीक है तो आपका आंसर है बोथ एंड एंटू करेक्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो लोअर लैटिट्यूड्स का क्या मतलब है जो इक्वेटर के पास है लैटिट्यूड्स जो बहुत पीछे की तरफ आते हैं है, current, current, ठीक है? मुझे कुछ भी नहीं पता था मुझे ये तो पता था कि पेरू करंट वेस्टर्न रीजन में है तो पेरू इज अ कोल्ड करंट तो ऑब्वियसली वेस्टर्न मार्जिन में क्या होंगी कोल्ड करंट्स होंगी एंड अगर आप ध्यान दो तो ईस्टर्न मार्जिन में है आपकी हॉट करंट्स यही तो बात वो कह रहा है तो अगर मुझे नहीं भी पता था ना तो एटलीस्ट मुझे पेरूवियन करंट पता होनी चाहिए थी बिकॉज वो हम नीनो में पढ़ते हैं कि पेरूवियन करंट तो डेफिनेटली कोल्ड करंट है और वो है वेस्टर्न साइड पे ईस्टर्न साइड पे है हॉट करंट विच इज ब्रेजिलियन करंट ठीक है इसको दोबारा चेक कर लेते हैं ईस्टर्न मार्जिन है ब्लू है कोल्ड करंट यहां पे कौन सी आपकी हॉट करंट तो लोअर लैटीट्यूड में ये चीज हो रही है अपर लैटीट्यूड में डिफरेंट है अगर आप लैब्रोडोर करंट देखो इट्स कोल्ड करंट और ये ईस्टर्न मार्जिन पे है अलास्कन करंट अगेन वार्म करंट विच इज ऑन वेस्टर्न मार्जिन अगर आपको नहीं भी पता था ना तो आपको पता क्या सोचना चाहिए था आपको सभी को ओवाशियो को करंट के बारे में पता है राइट सो ओवाशियो इज अ कोल्ड करंट ईस्टर्न मार्जिन पे ठीक है एंड द अदर साइड इज योर हॉट करंट तो ये भी आपको सोचना चाहिए था अगर आपने नहीं सोचा कोई दिक्कत की बात नहीं है अब आप इस पॉइंट को याद रखेंगे एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज क्वेश्चन कह रहा है बारिंग एनी एक्सेप्शन अगर इस पूरे पैटर्न पे कोई एक्सेप्शन आपने एक्सेप्शन पे नहीं जाना आपने जनरल पैटर्न देखना है कि क्या ये सही है या नहीं है ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन में यूपीएससी आपको फंसाता है आप uh,

अगर मुझे नहीं आता होता ना तो मेरा एजेंडा पता क्या होना चाहिए था कि सोर्स दिया बहुत ही ज्यादा बार याद किया वेरी नाग है तो ये भी नहीं हो सकता तो दो ऑप्शन तो मेरे वैसे ही चले गए ठीक है मेरा ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ रावी और ब्यास ही हो सकता था पता क्यों बिकॉज ऑफ ओरिजिन अगर आपने इंडस रिवर्स ध्यान से देखी है तो रावी ओरिजिनेट समे फ्रॉम हियर एंड अगेन सेम कुल्लू रावी एंड ब्यास आर द टू हिल्स जो कि आपकी कुल्लू हिल्स एसोसिएटेड होती है ठीक तो है आर एंड बी तो आर बी सी आप याद रखते हो रेड ब्रप आर बी आप याद रख लो तो कभी भी कुल्लू हिल्स की बात होगी आपने आर और बी को याद रखना है ठीक है जी चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं मैं आई वॉन्ट टू रिमेंबर दिस दाम्प टाइगर रिजर्व गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सरामती पीक एंड बेतला नेशनल पार्क ध्यान देना डम्पा इज इन मिजोराम सरामती इज इन नागालैंड लेकिन ये दो गलत है तो ये चार चीजें हैं दैट आई वॉन्ट यू टू तो रिमेंबर ठीक है याद रखोगे न्यूज में बहुत ज्यादा थी ठीक है तो इेस्पेक्टिव ऑफ आपको आती थी नहीं आती थी आपको इनको याद रखना अगर हम इसको देखें तो डंपा मिजोरम गुमती जो है इट इज इन त्रिपुरा सरामती पीते नागालैंड एंड बेतला इन झारखंड इनकी पोजिशन भी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्पल अगर आप डांपा देखो इट्स इन मिजोरम दिस इज मिजोरम और इस तरफ है त्रिपुरा तो मिजोरम में समवेयर इन बिटवीन बीच में इट तो इनकी पोजिशन भी इंपॉर्टेंट है जब आपको राइट टू टू लेफ्ट हैं, आपको बताया था के जस्ट बगल में यू हैव त्रिपुरा राइट? रीजन जिसकी बात हो रही है नेक्स्ट आपको सरामती पीक की बात हुई सरामती पीक इज इन नागालैंड ठीक है तो दो चार और पीक्स भी हैं जस्ट अ लुक इफ नेक्स्ट आपसे पूछा गया था बेतला नेशनल पार्क इट इज इन झारखंड तो आप देख रहे हो पलमू भी झारखंड में है पलमू प्लाटू भी उसी रीजन में है तो पलमू नेशनल पार्क भी वहीं पे होगा ये चीज़ें सोचने वाली हैं ठीक है सो दैट वाज ऑल और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो आपका प्री और मेंस का कॉज है यू शुड डेफिनेटली टेक इट दिस इज दिस इज अ स्टील डील ठीक है वाई एम से बिकॉज काफ़ी कुछ इंक्लूडेड है एंड वी टीच यू बहुत सारी चीज़ें जो कि इन जनरल इंक्लूडेड नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो uh, जो आपके सॉरी ओके सॉरी मैं आपको लिखी देती हूं यहां पे। सो so अ लेक्चर जो कि आपके पीसीएम लेक्चर्स हैं प्लस आपकी प्री टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है प्लस आपकी मेंस टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड एंड द बेस्ट पार्ट इज मेंस में हम पर स्टूडेंट सौ से ज्यादा सवाल इवेलुएट करते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो क्रैश कोर्स है जो आप प्री के सामने लेते हो वो भी अवेलेबल है ठीक है एंड एट वेरी नॉमनल प्राइस मेक श्योर आप इसे लो एंड यू विल सी डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा ठीक है जी चलिए दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड ओके दोस्तों